हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आरटीयू कोटा, डायरेक्ट एडमिशन, स्पॉट एडमिशन, इंटरनल स्लाइडिंग। यार बहुत सारे बच्चों की क्वारी जा रही थी, भैया मैं कोटा से हूँ, मेरे को आरटीयू में एडमिशन चाहिए, मेरे को अजमेर के अंदर मिला है, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया, मेरे को आरटीयू में चाहिए, आरटीयू में चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, सीएस नहीं भी मिले तो चलेगा, सीएससी चाहिए, ईसीई चाहिए, ब्रांच ब्रांच डॉट 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 एनएन ब्रांच चाहिए। तो यार आप सभी की क्वारीज को कम्प्लीट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए इन आरटीयू कोटा, बहुत सारे बच्चों की एक क्वारी थी, भैया हमको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट्स है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यार इसका आंसर है हाँ, जो भी बच्चे आउट ऑफ राजस्थान या फिर राजस्थान से हैं, सभी बच्चे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी ब्रांच में सीट्स वैकेंट है तो आपको मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं कितनी सीटें कौन सी ब्रांच के अंदर अवेलेबल है। तो यार ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रांचों में, सारी की सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी जितनी भी ब्रांच है, चाहे वो सीएस हो, आईटी हो, एरोनॉटिकल हो, ईसीई हो, सभी के अंदर सीट्स वैकेंट है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा, जिसको हमारी पेड काउंसलिंग प्लान लेनी है वो ले सकते हैं, ठीक है, 9999, ठीक है, 10 के, ओके। तो जस्ट उसके अंदर हम गारंटेड एडमिशन प्लान देते हैं, अगर हम एडमिशन करवा पाते हैं तभी तुमसे पैसा लेते हैं, अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो तुम्हारा पूरा रिफंड कर देते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हो, बहुत नॉर्मल मार्क्स हो, कम मार्क्स हो, वो कर सकता है, ठीक है। गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, या फिर आप जस्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर एडमिशन हो पाता है तभी आपका अमाउंट चार्जेबल किया जाता है, अगर हम एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो आपका पूरा रिफंड किया जाता है। तो यू आर फॉर फुली सेफ योर मनी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये भी हो सकता है कि मैं फ्री ऑफ कोर्स करा दूं, लेकिन इतनी ज्यादा हाई डिमांड क्वारी ट्रैफिक आती है कि सभी के लिए ये सब कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो जिन बच्चों को गारंटेड एडमिशन प्लान चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप पे या फिर गूगल फॉर्म लिंक दिया गया उसको फिल कर दे, जिसके अंदर आपको पेमेंट भी करना होता है, क्यूआर कोड, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह वगैरह जो भी दिया गया। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं नॉर्मली यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर दिस आरटीयू कोटा। और यार बताना चाहूंगा, जिन सीएस वगैरह में सीट्स वैकेंट है, ठीक है, जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 95, 96, 97, तो यार उनको तो मिल सकता है आई थिंक सीएस जो भी है, ठीक है। तो जस्ट यार यहाँ पे ईमेल, नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, तो जेई जो भी है, आप जेई जरूर अप्लाई करिए, ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो जेई जरूर ही अप्लाई करिए, स्पेशली आपको करना चाहूंगा, वैसे मैंडेटरी है, तो इसने लिखा है कि अगर आपने जेई नहीं दिया है तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जिन बच्चों ने जेई का एग्जाम दिया है उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए, उसके बाद जिन जेई का एग्जाम नहीं दिया है उसको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए, ओके स्टूडेंट। तो यार यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रही रिगार्डिंग इसका लास्ट डेट कब है, तो जस्ट आप जल्द से जल्द, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अप्लाई कर दें, उसके बाद गूगल फॉर्म जो है वो ये लेना एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके स्टूडेंट, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारा पेड काउंसलिंग प्लान लेना है वो नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है यार, इंटरनल स्लाइडिंग में अगर तुम लोगों को आरटीयू में कोई ना कोई ब्रांच मिली हुई है और तुम उसको चेंज करना चाहते हो, जस्ट लाइक ईसीई मिली हुई है, कंप्यूटर लेना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। अगर सीट वैकेंट है, आपके अच्छे मार्क्स है, तो आपकी सीट जो है ईसीई से डायरेक्टली जो वो सेकेंड ब्रांच होती है जो भी आपको चाहिए उसके अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है आपकी मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। और जो आपकी जो सीट बचेगी उसको जो है स्पोर्ट राउंड के अंदर फिल किया जाएगा। तो जो आपकी जो इंटरनल स्लाइडिंग है ये मान सकते हो कि स्पोर्ट से पहले होगी, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ऑप्शन 1, ठीक है, ये ऐसे ही मतलब गलती से हो गया, लोगों से फॉर्म वगैरह ठीक से फिल हुआ नहीं, ओके। आपको जो भी अपनी कैटेगरी जो स्पेशली फिल करनी है कि कैटेगरी के अंदर बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है स्टूडेंट। और जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक, थैंक यू सो मच, ओके। और आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिले यार, बहुत अच्छे ब्रांच मिले, आप एक अच्छे इंजीनियर बने, तो यही मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त करता हूँ, अपनी डिटेल्स ठीक से फिल करें, मार्क्स वगैरह ठीक से लगाएं, ओके, गुड लक।